हेलो एवरीवन, दिस इज राजीव हियर। सो लास्ट के दो वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मेथड क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मेथड चार तरीके से हम बना सकते हैं। पहला टाइप कौन सा था? नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर, राइट? मतलब हमारा मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा और ना उसमें कोई पैरामीटर होगा। ये हमारा फर्स्ट टाइप का फर्स्ट था, ठीक है? नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर। देन सेकेंड टाइप क्या हमारा था? रिटर्न टाइप विथ नो पैरामीटर। मतलब मेथड जैसे ये वाला देखो, जो ये फंक्शन हमने बताया है, ये सेकंड टाइप का है। इसमें रिटर्न टाइप तो है, रिटर्न टाइप इंटीजर है, और ये देखो रिटर्न आर, आर को रिटर्न कर रहा है, बट पैरामीटर कुछ भी नहीं है। अब जो थर्ड टाइप है हमारा, वो क्या होगा? विद नो रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर, विद पैरामीटर। रिटर्न टाइप नहीं होगा, पैरामीटर होगा। तो पैरामीटर का मतलब क्या होता है? अब सिंपल इसको समझो। अब ये जो फंक्शन है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है? मैं ये फंक्शन फिर से बनाता हूँ, और ये नीचे का जो मेन मेथड है, मैं इसे भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है? सो एक क्लास भी मैं फिर से बना दूंगा, अभी हटा दे रहा हूँ, ठीक है? सो नॉर्मली पैरामीटर का मतलब होता क्या है? पहले क्वेश्चन देख लो हमारा क्या है, हमें क्वेश्चन क्या करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन अ फंक्शन, डिफाइन अ फंक्शन टू डू द फॉलोइंग। क्या क्या हमारा फंक्शन पहला काम करेगा? एक्सेप्ट टू नंबर्स, एक्सेप्ट टू नंबर्स। सेकेंड काम हमारा फंक्शन करेगा, फाइंड सम, दोनों नंबर का सम फाइंड करेगा। एंड तीसरा काम क्या करेगा? रिटर्न, सॉरी, प्रिंट द रिजल्ट। जो सम में जो भी सम आया है उसको प्रिंट कर देगा। हमारा फंक्शन ने तीन काम करेगा। तो अब देखो, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट टू नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम्हें सिंटेक्स याद होगा, जब मैंने मेथड का तुम लोगों को सिंटेक्स बताया था, तो सिंटेक्स में क्या था? सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर होता है फंक्शन के सिंटेक्स में, मेथड के सिंटेक्स में, जिसकी जगह हम पब्लिक लिखते हैं। हालांकि प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं, बट अभी तुम लोगों को नहीं करना है। फिर स्टैटिक कीवर्ड, जो अभी मैंने तुम लोगों को लिखने से मना किया है। फिर रिटर्न टाइप, जिसमें अगर मेथड इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न टाइप की जगह int लिखते हैं, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो void लिखते हैं। फिर मेथड नेम, और फिर याद होगा मैंने बताया था पैरेंथेसिस के बीच में हमारा पैरामीटर होगा। मैं शॉर्ट में पैरम लिख दे रहा हूं, ठीक है? ये पैरामीटर मैंने बताया था स्टैटिक की तरह ऑप्शनल होता है, जरूरत है तो लिखो तो मत लिखो। अब तक हम नहीं लिख रहे थे, बट अब लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? सो हम एक मेथड बनाने जा रहे हैं जो दो नंबर एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट मतलब क्या हुआ? कि जब भी उसको कोई फंक्शन कॉल करेगा तो कॉल करने वाला फंक्शन उसको दो नंबर प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लो हमारा फंक्शन है ऐड, और ये फंक्शन, जब इस फंक्शन ऐड को कोई फंक्शन कॉल कर रहा है, मान लो मेन फंक्शन कॉल कर रहा है, ठीक है? तो कॉलिंग फंक्शन कौन सा हुआ? मेन। और कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? ऐड। तो कॉल्ड फंक्शन कौन सा हुआ? ऐड। तो अगर मेन कॉल कर रहा है ऐड को, तो मेन क्या करेगा? एड फंक्शन को दो नंबर प्रोवाइड करेगा, जैसे मान लो 2 और 4। आया समझ में? यही हुआ पैरामीटर का मतलब। सिंपल पैरामीटर का मतलब, अगर किसी फंक्शन में पैरामीटर डिफाइन है, तो मतलब जब उस फंक्शन को कोई भी दूसरा फंक्शन कॉल करेगा तो उसको कुछ डेटा पास करेगा, ठीक है? तो अभी देखो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, मैं अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी समझाता हूं। सो यहां देखो, हम फंक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, स्टैटिक का यूज करेंगे नहीं। हमारा फंक्शन नो रिटर्न टाइप है ना, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सो void। फंक्शन का नेम ले लेते हैं हम एड नम। अब एड नम के बाद पैरेंथेसिस, अब तक ये खाली रहता था, बट अब हम यहां लिखेंगे हमारे फंक्शन को कितना नंबर चाहिए? दो नंबर ना, तो a कॉमा b। अब ये दोनों नंबर किस टाइप का चाहिए? इंटीजर टाइप का। तो a के पहले भी int, फिर कॉमा, और b के पहले भी int। इसका मतलब सिंपली यही हुआ कि अब इस एड नम फंक्शन को कोई भी दूसरा फंक्शन कॉल करेगा तो इसको दो नंबर पास करेगा, और दोनों इंटीजर टाइप का, ठीक है? अगर मान लो यहां पे तुम चाहते कि इस फंक्शन को कोई कॉल करे तो तीन नंबर दे इंटीजर टाइप का, तो एक और नंबर देते हैं, आई एन टी सी, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, एक्स जेड ले लो, ई ले लो, कुछ भी। या मान लो कि दो, तुम चाहते हो कि इस फंक्शन को कोई कॉल करे तो दो इंटीजर टाइप का नंबर दे, एक पॉइंट वाला नंबर दे डबल टाइप का, तो तीसरा वेरिएबल हो जाएगा डबल टाइप का, डबल टी, कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हो, ठीक है? सो याद रखना, हर वेरिएबल के साथ डेटा टाइप होगा,
बट हमारे फंक्शन में हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमारा फंक्शन दो दो नंबर एक्सेप्ट करे हमारा मेथड, तो यहां पे बस हम दो पैरामीटर देंगे इंटीजर टाइप का क्योंकि हमें इंटीजर पे वर्क करना है, ठीक है। दूसरा काम है मेथड क्या करेगा, इन दोनों नंबर को ऐड करके प्रिंट कर देगा। तो एक और वेरिएबल ले लो आई एन टी आर और असाइन विथ, दोनों को ऐड करके स्टोर कर लो जो ए और बी। अब ए और बी हमारे एड नम फंक्शन के पैरामीटर के अंदर है ना, तो बेसिकली ये दोनों वेरिएबल एड नम फंक्शन के ही कहलाएंगे, तो ए और बी का यूज कर सकते हैं हम इस फंक्शन के अंदर। क्लियर हो गया। सो अब प्रिंट कर देना है रिजल्ट को, तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब मैसेज पहले एक दे दो, सो सम इक्वल्स प्लस आर। सो आई होप क्लियर हो गया। अब देखो कोई भी इस फंक्शन को कॉल करेगा ना, कोई भी दूसरा फंक्शन एड नम को कॉल करेगा तो इसको दो नंबर देगा, क्योंकि इस फंक्शन ने अपने पैरामीटर में डिफाइन कर रखा है कि भाई कोई भी अगर मुझे कॉल करेगा तो दो नंबर पास करेगा, दोनों इंटीजर टाइप का। और फिर ये फंक्शन क्या करेगा, उन दोनों नंबर को ऐड करके आर में स्टोर करेगा, फिर प्रिंट कर देगा। तो अब तुम देख रहे होगे इस फंक्शन में मैंने यूजर इनपुट नहीं लिया है, क्योंकि जरूरत नहीं है ना। अब इस फंक्शन को दो नंबर तो कोई और देगा, एक क्यों यूजर इनपुट ले, चाहो तो अभी भी ले सकते हो यूजर इनपुट, बट कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। ये हो गया। अब मेन फंक्शन हम बनाते हैं। सो मेन फंक्शन हमारा, उसके लिए एक और क्लास बना लेंगे, चाहो तो सेम क्लास में बना सकते हो, बट वो मैं बाद में बताऊंगा। क्लास एबीसी, और इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड बना लेते हैं। सो मेन मेथड क्या होगा हमारा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब ऑलरेडी मैं तुम लोग को बताया हूं कि मेन मेथड में अगर हमें कॉल करना है कैल्क क्लास के किसी भी मेथड को, तो हम क्या करेंगे, कैल्क क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, तो कैल्क ओबीजे, अगर नहीं पता जो मैं बता रहा हूं पूरा, तो जाके पीछे के वीडियो जिस सीरीज में देख सकते हो। असाइन विथ न्यू कैल्क, हो गया। तो इस लाइन में क्या होगा, कंप्यूटर जैसे ही न्यू कैल्क को रीड करेगा वो तुरंत ऊपर जाएगा और ये जो हमारा कैल्क क्लास है इसका एक कॉपी क्रिएट कर देगा, ठीक है। और इस कॉपी को किसमें स्टोर कर देगा, ओबीजे में। आई होप क्लियर हो गया इतना। अब मान लो तुम्हें दो नंबर को ऐड करना है, जैसे मान लो तुम्हें 10 और 20 को ऐड करना है, सपोज तुम्हें 10 और 20 को ऐड करना, तो ऑलरेडी तुम्हारे पास कैल्क क्लास के अंदर एक फंक्शन अवेलेबल है एड नम नाम का, जो दो नंबर को ऐड करता है। तो सिंपली क्या करोगे, लिखोगे ओबीजे, मतलब ओबीजे में किसको कॉल करोगे, कैल्क एड नम को, एड नम और दो नंबर इसको पास कर दोगे। तो दो नंबर तुम्हें 10 20 ऐड करना है, तो 10, 20 हो गया, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहां पे इसको तुम्हें किसी वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, जैसे int x मैंने पिछले में किया था, क्योंकि ये हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है हमारा एड नम मेथड अभी, तो सिर्फ कॉल कर दो और नंबर पास कर दो। अब यहां पे दो तीन चीज ध्यान रखना, यहां पे पैरामीटर दो है तो नंबर पास करेंगे वो भी दो होना चाहिए, ये दोनों इंटीजर टाइप का है तो ये दोनों नंबर भी हमारा इंटीजर टाइप का होना चाहिए, अगर पॉइंट वाला हो गया तो एरर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जीक्यूशन कैसे होगा इसका। सो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंट्रोल जो है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट करेगा, मेन से। तो मेन, फिर जब इस लाइन पे आएगा तो न्यू कैल्क यानी इस क्लास का एक कॉपी क्रिएट कर देगा और उसको किसमें स्टोर कर देगा, ओबीजे के अंदर। अभी एक मिनट के लिए मान लो यही हमारा ओबीजे है, क्योंकि ओबीजे के अंदर तो मैं तुम लोग को यहां नहीं दिखा सकता ना, तो मान लो यही हमारा ऊपर का क्लास ओबीजे है, क्योंकि उसी का बिल्कुल कॉपी होगा हमारा ओबीजे, ठीक है। फिर जब कंप्यूटर अगले लाइन पे जाएगा ओबीजे डॉट एडनम, तो ओबीजे को रीड करते ही ओबीजे के अंदर गया। अब ओबीजे के अंदर जाके किसको एग्जीक्यूट करेगा, एडनम को। बट जब यहां से कंट्रोल गया है हमारा ओबीजे के अंदर, तो साथ में दो नंबर लेके गया, 10 और 20, और ये क्या करेगा, 10 को स्टोर कर देगा ए में और 20 को स्टोर कर देगा बी में, और उससे पहले मैच करेगा कि यहां पे दो पैरामीटर है तो दो ही नंबर भेजा गया है ना, मैच कर गया, ओके। नहीं मैच करता तो एरर आ जाता, मान लो तुम अगर यहां तीन नंबर भेज दिए होते, तो जैसे यहां तुमने तीन नंबर भेज दिया तो एरर आ जाता, क्योंकि पैरामीटर में दो ही वेरिएबल है। फिर दूसरी चीज मैच करेगा कि पहला नंबर यहां पे क्या है, इंटीजर, और यहां पहला वेरिएबल का पैरामीटर भी इंटीजर है ना, ये भी मैच कर गया। दूसरे वेरिएबल का पैरामीटर भी इंटीजर है, यहां दूसरा नंबर भी इंटीजर है, ये भी मैच कर गया। तो 10 जाके ए में स्टोर हो जाएगा, 20 जाके बी में। आई होप क्लियर हो गया। अब कंप्यूटर हमारे मेथड को एग्जीक्यूट करना चालू करेगा, तो आई एन टी आर असाइन विथ ए प्लस बी, तो आर में 10 है, बी में 20 है, तो 10 20, आर में कितना आ गया 30, प्रिंट कर देगा सम इक्वल टू 30। फिर यहां पे हमारा मेथड एड नम मेथड खत्म, वापस कंप्यूटर यहां पे आ जाएगा।
फिर आगे बढ़ेगा मेन में, तो यहां पे मेन खत्म, प्रोग्राम खत्म। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि हमारा थर्ड टाइप का जो फंक्शन है नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर कैसे होगा। अब देखो तुम चाहो तो यूजर इनपुट लेके भी नंबर यहां पे पास कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हें यूजर इनपुट लेना है तो फिर यहां पे मेन के अंदर तुम्हें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। सो स्कैनर ओबीजे असाइन विद, अच्छा चलो पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूं, ठीक है, फिर यूजर इनपुट लेता हूं। तो रन करते हैं इस प्रोग्राम को, जावा सी एबीसी डॉट जावा, फिर जावा एबीसी। सो देखो 30 आ गया। अब मान लो तुम्हें कोई और दो नंबर ऐड करना है, जैसे फिर से यहां पे मैं दे लेता हूं ओबीजे डॉट, दूसरी बार कॉल कर लेता हूं एड नम, इस बार तुम्हें ऐड करना है 12,69, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, फिर से रन करते हैं जावा सी एबीसी डॉट जावा, फिर जावा एबीसी, देखो सम इक्वल टू 30, फिर सम इक्वल टू 81। अब हुआ क्या, पूरा एग्जीक्यूशन समझो, कंट्रोल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट करेगा, लाइन नंबर 12 मेन से। फिर इस लाइन में क्या होगा, न्यू कैल्क, तो न्यू क्या करेगा, इस कैल्क क्लास का एक कॉपी क्रिएट करेगा और उस कॉपी को किसमें स्टोर कर देगा, ओबीजे में, ठीक है। अभी एक मिनट के लिए मान लो यही हमारा ओबीजे है, क्योंकि मुझे फिर पूरा यहां पर लिख के अलग से दिखाना पड़ेगा, तो सेम चीज लिखूंगा, इससे अच्छा मान लो यही ओबीजे है। फिर जब कंप्यूटर इस लाइन को रीड करेगा ओबीजे डॉट एड नम, तो इस लाइन को रीड करते ही चला जाएगा हमारा ओबीजे के अंदर, और साथ में क्या लेके जाएगा, 10,20। और ओबीजे के अंदर किसको एग्जीक्यूट करना है, डॉट एड नम लिखा है ना, तो एड नम पे आएगा, ए के अंदर क्या स्टोर कर देगा 10, और बी के अंदर क्या स्टोर कर देगा 20, और फिर हमारे फंक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो ए में 10 है, बी में 20 है, आर में 30 आ जाएगा, प्रिंट कर देगा सम इक्वल टू डबल कोटेशन में है, ठीक यही प्रिंट करेगा, आर डबल कोटेशन के बाहर है उसकी वैल्यू सम इक्वल टू 30। फिर यहां पे एड नम मेथड खत्म, वापस लौट के यहां आ जाएगा। फिर नीचे आगे चढ़ेगा तो फिर से ओबीजे डॉट एड नम आ गया, तो फिर से चला जाएगा कैल्क क्लास में, इस बार क्या वैल्यू लेके गया 12,69, तो ए में स्टोर कर देगा 12 और बी में स्टोर कर देगा 69। फिर मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, तो आर में 12 है, बी में 69 है, तो R में सॉरी A में 12 है और B में 69 है, तो R में कितना आ जाएगा 81। फिर सम इक्वल टू, तो प्रिंट करेगा सम इक्वल्स टू और R की वैल्यू 81। फिर यहां पे मेथड खत्म, वापस फिर यहां ब्लॉट किया जाएगा, फिर नीचे बढ़ेगा यहां पे मेन मेथड खत्म, प्रोग्राम खत्म। सो आई होप समझ में आ गया होगा कैसे वर्क करता है। तुम जितनी बार चाहो इस मेथड को कॉल कर सकते हो, तुम अगर यूजर इनपुट लेना चाहो तो वो भी कर सकते हो, मेन में यूजर इनपुट लेके भी पास कर सकते हो। तो देखो स्कैनर एस सी असाइन विद न्यू स्कैनर और फिर पैरेंथेसिस के अंदर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब मैसेज मैं एक देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैसेज देता हूं मैं एंटर द फर्स्ट नंबर और फिर यहां पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं int x और इसमें इनपुट ले लेता हूं sc डॉट नेक्स्ट int और फिर यहां पे एक और मैसेज प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर द सेकेंड नंबर और फिर यहां पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं int y असाइन विथ sc डॉट नेक्स्ट int और अब मेथड को कॉल करते हैं। तो मेथड को कैसे कॉल करेंगे, obj डॉट एड नम और इस बार मान लो तुम्हें x और y का सम फाइंड करना है तो x, y, ध्यान रखना x और y के साथ यहां पे int डेटा टाइप नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि मेन मेथड के अंदर ऑलरेडी x और y को हम डिक्लेयर कर चुके हैं, x के साथ ऑलरेडी int एक बार हम लिख चुके हैं यहां पे, तो अब दोबारा सिर्फ x y वेरिएबल को पास करोगे। जब इस देखो यहां पे हम एड नम मेथड को बनाया है हमने डिफाइन किया है, तो यहां पे जब इसका पैरामीटर डिफाइन करेंगे तो वेरिएबल के साथ डेटा टाइप होगा, बट जब इस मेथड को हम यूज करेंगे कॉल करेंगे सिंपल तो वहां पे जो वेरिएबल पास करेंगे उसका डेटा टाइप नहीं होगा, ठीक है। सो अब देखो एग्जीक्यूशन कंट्रोल एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट करेगा हमारा, मेन से, फिर कैल्क क्लास का कॉपी क्रिएट हो जाएगा जो ओबीजे में स्टोर होगा,
मान लेते हैं यही ओबीजे है हमारा। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो एंटर द फर्स्ट नंबर, मैसेज आ जाएगा एंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। और फिर एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ये इनपुट मांगेगा, सपोज तुमने 15 इनपुट दिया। फिर अगले लाइन से मैसेज आएगा एंटर द सेकेंड नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर। फिर एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी मांगे, सपोज तुमने 20 एंटर किया तो वाई में 20 आ गया। अब ओबीजे डॉट एड नम, ये जैसे ही कंप्यूटर इस लाइन को रीड करेगा तुरंत यहां से चला जाएगा ओबीजे के अंदर, और साथ में क्या लेके जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स में कितना है 15, वाई में कितना है 20, और 15 को ले जाके ए में स्टोर कर देगा और 20 को ले जाके बी में स्टोर कर देगा। फिर ए प्लस बी यानी 15 प्लस 20 आर में कितना आ जाएगा 35। फिर प्रिंट कर देगा सम इक्वल्स टू आर की वैल्यू 35। फिर यहां पे हमारा एड नम मेथड खत्म, खत्म होते ही वापस लौट के आ जाएगा यहां पे। फिर आगे बढ़ेगा तो यहां मेन मेथड खत्म, प्रोग्राम खत्म। आई होप क्लियर हो गया दोनों तरीके से कि डायरेक्ट वैल्यू भी कैसे पास कर सकते हैं, यूजर इनपुट भी कैसे लेके पास कर सकते हैं। ठीक है, अब अगेन तुम जितनी बार चाहो इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो अलग अलग वैल्यू के साथ। ओके, सो इतना सबको क्लियर। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब हम मेथड को डिफाइन कर रहे हैं, अब एड नम मेथड को देखो मैंने यहां पर डिफाइन किया है, यहां बनाया है मैंने एड नम मेथड को, तो यहां पर जो पैरामीटर हम डिफाइन कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम फॉर्मल पैरामीटर। सो सॉरी, पैरामीटर डिफाइन ड्यूरिंग द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ड्यूरिंग द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज नोन एज फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर। ओके, और जब मेथड को यहां पे कॉल कर रहे हैं हम, यहां पे मेन मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं, एड नम को सिंपली कॉल कर रहे हैं कि भाई जिस काम के लिए बने हो काम करो, लो दो नंबर एक्स और वाई और अपना काम करो जिस काम के लिए बने हो। तो यहां जो एक्स वाई पास कर रहे हैं इसको भी पैरामीटर बोलते हैं, बट इसको कौन सा पैरामीटर बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर। सो ध्यान रखना, जब मेथड जहां पे हम क्रिएट कर रहे हैं वहां पे जो पैरामीटर डिफाइन करते हैं इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, और जहां पे मेथड को कॉल कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। और एक्चुअल पैरामीटर को एक और नाम से बोलते हैं हम आर्गुमेंट, आर्गुमेंट। ओके, दूसरा डिफरेंस, फॉर्मल पैरामीटर में डेटा टाइप होता है वेरिएबल के पहले, ठीक है, और एक्चुअल पैरामीटर में डेटा टाइप नहीं होता। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारा थर्ड टाइप का फंक्शन हो गया। क्या था थर्ड टाइप, नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर। अब आता है हमारा फोर्थ टाइप, तो फोर्थ टाइप क्या है, विद रिटर्न टाइप, विद रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर, विद पैरामीटर। तो यानी अब हमारा मेथड में पैरामीटर भी होगा और रिटर्न टाइप भी होगा। तो चलो हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन अ मेथड टू डू द फॉलोइंग, टू डू द फॉलोइंग। और फॉलोइंग में क्या क्या, पहला एक्सेप्ट टू नंबर्स, मतलब हमारा मेथड दो नंबर एक्सेप्ट करेगा। सेकंड फाइंड सम, सम फाइंड करेगा। थर्ड रिटर्न द रिजल्ट, अब कॉलिंग मेथड को रिजल्ट रिटर्न कर देगा, प्रिंट नहीं करेगा। तो चलो इसी मेथड में बस हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, हो जाएगा, क्योंकि हमारा फोर्थ टाइप का क्या है, विद रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर। तो पैरामीटर तो ऑलरेडी इसमें है ना, सेम हम यही करना है, दो नंबर एक्सेप्ट करके ऐड करना है, तो हमें सिर्फ यानी रिटर्न टाइप इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो अब रिटर्न टाइप हमें ऐड करना है, तो यहां पे void की जगह क्या हो जाएगा, void की जगह हो जाएगा, अब देखो a और b इंटीजर है, दोनों का सम भी इंटीजर आएगा, r में जो रिजल्ट आया है r क्या इंटीजर, यही तो हमें रिजल्ट रिटर्न करना है, तो इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न टाइप क्या होगा, int, पॉइंट वाला नंबर रिटर्न करते रिटर्न टाइप डबल। अब हमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो तुम प्रिंट कर दो,
तुम प्रिंट करने के बाद भी रिटर्न कर सकते हो, बट क्या जरूरत है प्रिंट करने का, रिटर्न कर दो आर को। कैसे रिटर्न करोगे, पिछले वीडियो में बता चुका हूं, रिटर्न आर हो गया। बट अब जब तुम एड नम मेथड को कॉल कर रहे हो तो अब देखो होगा क्या, कंट्रोल मेन्स एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, तुम मैसेज देगा एंटर द नंबर, सपोज तुमने पहला नंबर एंटर किया 15, फिर एंटर द सेकंड नंबर, तुमने दूसरा नंबर एंटर किया 5, तो ओबीजे डॉट एड नम को रीड करते ही कंट्रोल यहां से चलेगा मेथड में आएगा, क्या नंबर लेके आया मेथड में, 15.5, तो ए में स्टोर हो जाएगा 15, बी में स्टोर हो जाएगा 5, फिर दोनों को ऐड करके आर में 20 स्टोर कर दिया, फिर 20 को रिटर्न कर देगा, यानी रिटर्न आर रीड करते ही कंट्रोल वापस यहां आएगा, बट साथ में क्या लेके आएगा, 20 आर की वैल्यू। तो यहां एक वेरिएबल होना चाहिए ना भाई जिसमें स्टोर करोगे इस रिटर्न वैल्यू को, अब तक तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था बट अब रिटर्न कर रहा है, तो INT जेड ले लो, हमने जेड में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब अगर तुम्हें प्रिंट करना है तो सिंपल प्रिंट कर दोगे, कैसे प्रिंट करोगे, सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहां मैसेज दे दो सम इक्वल्स और यहां पे प्लस जेड, क्योंकि फाइनल वैल्यू किसमें स्टोर हुई है, जेड में हो गया। ये हमारा फोर्थ टाइप वाला मेथड हो गया विद रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर। चलो सेव करके रन करते हैं, सेव मैंने कर लिया, रन करते हैं। सो जावा सी एबीसी डॉट जावा, जावा एबीसी, एंटर द फर्स्ट नंबर 4, एंटर सेकंड नंबर 8, देखो सम इक्वल टू 12। फिर से समझ लो एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, पूरा एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट हुआ, एग्जीक्यूट कर कौन रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो कंट्रोल प्रोग्राम में कहां पे एंटर किया, मेन में। फिर यहां पे जब कंट्रोल इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, कैल्क ओबीजे असाइन विथ न्यू कैल्क, तो न्यू कैल्क रीड करते ही कंट्रोल क्या करेगा, ये जो कैल्क क्लास है इसका कॉपी क्रिएट कर देगा और उसको किसमें स्टोर कर देगा, ओबीजे में। फिर अगला लाइन है स्कैनर, फिर मैसेज दे देगा एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, फिर INT x साइन विथ sc डॉट नेक्स्ट INT, सपोज तुमने 5 एंटर किया तो x में 5 आ गया, फिर एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, फिर y में इनपुट मांगेगा, सपोज तुमने 7 दे दिया तो y में 7 आ गया। अब obj डॉट एड नम, पता है ना असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड वाला पहले एग्जीक्यूट होता है, तो पहले obj डॉट एड नम कॉल होगा फंक्शन, कंप्यूटर तुरंत हमारे कैल्क में ओबीजे में चला जाएगा, क्या लेके जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स में कितना है 5, वाई में कितना है 7, कौन गया यहां से वैल्यू लेके, कंट्रोल गया, और वो क्या करेगा, ए में कितना स्टोर कर देगा 5, बी में क्या स्टोर कर देगा 7, फिर 5 प्लस 7 आर में क्या आ गया 12, और फिर रिटर्न आर। अब हमारा ये जो एड नम मेथड है वो कंट्रोल को बोल रहा है रिटर्न वापस जाओ, क्या लेके जाओ आर, आर में कितना है 12, तो कंट्रोल यहां से वापस आ गया, यहां क्या वैल्यू लेके आया 12 लेके आया, और ये 12 किसमें स्टोर हो जाएगा, ये जो राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू आई है ये लेफ्ट हैंड साइड वाले में जेड में स्टोर हो जाएगी, और फिर जब कंप्यूटर अगले लाइन में जाएगा तो सम इक्वल टू मैसेज प्रिंट करेगा और फिर जेड की वैल्यू, तो जेड की वैल्यू क्या है 12 प्रिंट कर देगा। तो ये फोर्थ टाइप का हमारा मेथड हो गया। अब अगर मैं इसको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, तो अब देखो तुमने एक मेथड बना के रख लिया, अब तुम इसको खुद से यूज, जब भी तुम्हें दो नंबर ऐड करना है तुम सिंपली ऐड कर पा रहे हो, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं एक कुछ दिखाता हूं तुम लोगों को, याद है अगर तुम्हें मान लो दो नंबर का पावर कैलकुलेट करना है तो तुम्हें, अभी मैं प्रोग्राम से इस वाले पार्ट को हटा दे रहा हूं, ठीक है, अभी ये पूरा मैं हटा दे रहा हूं, तुम्हें मान लो दो नंबर का पावर कैलकुलेट करना है 2 और 4 का, तो तुम क्या करते हो, तुम सिंपली एक डबल टाइप का वेरिएबल लेते हो डबल, और तुम ले लेते हो रेस्ट कोई भी वेरिएबल ले लो, और एक मेथड को तुम कॉल करते हो मैट डॉट पावर, और इसमें मान लो 2 to the power 3 तुम्हें यूज करना है, तुम पास कर देते हो 2, 3। अब मैट डॉट पावर करता क्या है, वो 2 to the power 3 यानी 8.0 रिटर्न कर देता है, इस रेस्ट रिजर्व वेरिएबल में स्टोर कर देता है। अब देखो तुम रेस्ट को अगर प्रिंट करोगे, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंसर इक्वल्स, स्पेलिंग गलत है बट ठीक है, रेस्ट। अब देखो इसको प्रिंट करते हैं, जावा सी एबीसी डॉट जावा, जावा एबीसी, देखो 8.0। तो यहां पे हुआ क्या, देखो मैट डॉट पावर को हमने कॉल किया, दो वैल्यू पास किया,
यानी जैसे हमने एड नम मेथड बनाया था उसी तरीके से पावर क्या है, एक प्री डिफाइंड मेथड है। मतलब जावा के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने पहले से एक मेथड बना के रखा है जो तुम्हारे कंप्यूटर में रखा हुआ है, तुम सिंपली उसको कॉल कर ले रहे हो। और ये मेथड कुछ ऐसा होगा ना, पब्लिक, उसका रिटर्न टाइप डबल होगा क्योंकि ये देखो रेस्ट में कितना स्टोर है, 8.0 ना पॉइंट वाली वैल्यू, यानी डबल टाइप का वैल्यू रिटर्न करता होगा। नाम इसका होगा पावर। अब पावर के पहले मैथ क्यों लिखते हैं वो आगे बताऊंगा। और इसमें दो पैरामीटर होगा, int a कॉमा int b, ठीक है। और फिर ये कैलकुलेट करता होगा a टू द पावर b, उसका लॉजिक लिखा होगा और लास्ट में रिटर्न कर देता होगा, रिटर्न जो भी रिजल्ट आया, आंसर मान लो जो भी आंसर आता होगा। तो अब देखो तुम जैसे ही यहां पे तुमने कॉल किया, अब होता क्या होगा समझो, ये पावर फंक्शन बना के तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर कोई रखा हुआ है, तुमने जैसे ही मैट डॉट पावर कॉल किया तुरंत कंट्रोल चला जाता होगा कंप्यूटर के अंदर पावर मेथड में, साथ में टू और थ्री को लेके, टू को स्टोर कर देता होगा ए में और थ्री को स्टोर कर देता होगा बी में, फिर टू टू द पावर थ्री कैलकुलेट करता होगा, फिर पावर मेथड बोला रिटर्न, वापस जाओ और जो 8.0 आंसर आया उसको लेके, तो कंट्रोल तुरंत यहां पे आ गया, क्या लेके, 8.0 लेके। और राइट हैंड साइड में जो 8.0 वैल्यू आई ये कहां स्टोर हो गई, रेस में, तुमने रेस को प्रिंट कर दिया। तो जिस तरीके से प्री डिफाइंड मेथड है जो पहले से कंप्यूटर में बनाकर रखा हुआ है तुम उसका यूज करते हो, उसी तरीके से अभी हमने अपना मेथड बनाया, उसी तरीके से अब हमने अपना एक मेथड बना लिया, अब जब चाहे हम उसका यूज कर सकते हैं। देखो सो मैं इसको वापस चलता हूं थोड़ा, ये देखो तो एड नम बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है कि नहीं, ये देखो एड नम मेथड बिल्कुल अब वैसे ही हम कॉल कर सकते हैं कि नहीं। तुम्हें अगर मान लो टू और फोर एड करना है तो सिंपल क्या लिखोगे, तुम ऊपर वाले क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, कैल्क ओबीजे असाइन विथ न्यू कैल्क। अब तुम बोलोगे सर वहां तो हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे थे, ओबी में बताऊंगा ऐसा क्यों है, ठीक है। और फिर तुम सिंपली लिखोगे ओबीजे डॉट एड नम, और जो दो नंबर तुम्हें ऐड करना है, मान लो टू और फाइव ऐड करना है, तुमने पास कर दिया और ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लोगे, आई एन टी मान लो के, और फिर के को प्रिंट कर दोगे। तो सिमिलैरिटी दिखा कि नहीं, राइट right? अब तुम चाहो तो के को इस तरीके सिस्टम डॉट प्रिंट एलन सम इक्वल टू के प्रिंट कर दो, सिमिलैरिटी दिखा कि नहीं, ठीक है। तो जैसे प्री डिफाइंड मेथड्स हैं उस तरीके से तुम अपना मेथड बना के रख सकते हो। आगे मैं तुम लोगों को यह भी बताऊंगा कि कैसे इस मेथड को तुम बना के अपने कंप्यूटर में रख सकते हो, और अगर कोई भी दूसरा प्रोग्राम करते हो उस प्रोग्राम में तुम्हें दो नंबर ऐड करना है तो तुम्हें और लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, जो तुमने अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम बना के रखा है सिंपल इसको कॉल कर दो और दो नंबर पास कर दो, ये रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। सो आई होप क्लियर हो गया, ये चारों टाइप का हमारा मेथड, नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, विद रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, फिर नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर, एंड फोर्थ विद रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर। तो एक बार हम चारों टाइप का मेथड में यहां पे एक साथ बना के दिखा देता हूं, ठीक है, चारों टाइप का मेथड। तो मैं कमेंट में लिख देता हूं, पहला वाला क्या था, पहला वाला विद नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, ठीक है। सो कैसे बनाएंगे हम, सो पब्लिक, फिर रिटर्न, नो रिटर्न टाइप है तो void यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मेथड नेम ले लेते हैं एड नम, पैरामीटर भी नहीं होगा, और ये क्या करेगा मेथड, पहले दो नंबर इनपुट लेगा तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, सो स्कैनर एस सी असाइन विथ न्यू स्कैनर, और फिर पैरेंथेसिस में सिस्टम डॉट इन, फिर एक मैसेज दे दो, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंटर द फर्स्ट नंबर और फिर एक वेरिएबल ले लेते हैं आई एन टी ए असाइन विथ एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, फिर एक और मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट एंटर द सेकेंड नंबर, और फिर आई एन टी बी असाइन विथ एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आई एन टी आर असाइन विथ ए प्लस बी, फिर प्रिंट कर देते हैं रिजल्ट, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन
और फिर सम इक्वल्स प्लस आर, ये हमारा पहला टाइप का मेथड हो गया। अब देखो ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है क्योंकि रिटर्न टाइप की जगह क्या लिखा हमने, void, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा। पैरेंथेसिस के बीच में कुछ पैरामीटर भी हमने नहीं दिया है तो फर्स्ट टाइप का हो गया, नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। सेकंड टाइप क्या था, विद रिटर्न टाइप। अब देखो इस मेथड को अगर कॉल करते हैं मेन में तो क्या करना होगा, चलो कॉल करना बाद में बताऊंगा। सेकंड टाइप का मेथड कौन सा होगा, विद रिटर्न टाइप, विद रिटर्न टाइप एंड विद नो पैरामीटर। ठीक है, तो सेकंड टाइप का कैसे बनाएंगे, मैं सेम इसी को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, सेम इसी मेथड को कॉपी कर लेता हूं, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं, थोड़ा सा चेंजेस हमें करना होगा। तो इसमें चेंज क्या हो जाएगा, पहले मेथड का नाम चेंज कर लो क्योंकि सेम नाम हम बार बार नहीं दे सकते। तो यहां पे मैं देता हूं एड, नहीं यहां प्रोडक्ट का मान लो ये है, फाइंड प्रोडक्ट इसका नाम देता हूं मैं, फाइंड प्रॉड, ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। तो दो नंबर ए बी इनपुट लिया, वेरिएबल सेम रहने से कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इस मेथड के अंदर भी वेरिएबल ए बी और आर मैंने लिया है, इस मेथड के अंदर भी सेम वेरिएबल लोगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब हमें क्या करना है, रिटर्न करना है ना, तो हम दो इंटीजर टाइप का नंबर इनपुट ले रहे हैं ए और बी। तो ए और बी अगर दो इंटीजर है जैसे 2 और 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर होगा, तो हम रिजल्ट रिटर्न क्या करने वाले हैं, इंटीजर ना, तो रिटर्न टाइप ऑफ वॉइड नहीं होगा, आईएनटी होगा। सो आईएनटी रिटर्न टाइप हो गया। अब रिटर्न कैसे करेंगे, तो रिटर्न करने के लिए हम लिखेंगे रिटर्न और फिर रिजल्ट किस में है, आर में। अच्छा एक और चाहिए, मैं प्रोडक्ट फाइंड करना है ना, तो प्लस हटा दो या मल्टीप्लाई लगा देंगे, ये हो गया। ये रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, यू रिटर्न। ठीक है, अब एक चीज और देखो, यहां पे प्रिंट, एक तो सम प्रिंट हमें करना नहीं है, प्रोडक्ट प्रिंट करना है, सो प्रोडक्ट इक्वल्स टू आर, बट ये प्रिंट करने की जरूरत नहीं है ना क्योंकि रिजल्ट को तो हम रिटर्न कर रहे हैं जो फंक्शन कॉल किया उसको, तो यहां प्रिंट क्यों कर रहे हो बिना मतलब का, हटा दो इसको। ये सेकंड टाइप का हो गया हमारा। थर्ड टाइप करते हैं, थर्ड टाइप क्या है हमारा, विद नो रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर, मतलब रिटर्न टाइप नहीं होगा बट पैरामीटर होगा, राइट तो चलो देखो ये कैसे होगा। तो अगेन पब्लिक, रिटर्न तो कुछ भी नहीं करेगा ना, तो void हो जाएगा। अब मान लो ये डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस फाइंड करने का फंक्शन है, तो नाम देता हूं मैं फाइंड डिफ। अब ये दो नंबर एक्सेप्ट करेगा और दोनों का डिफरेंस रिटर्न कर देगा, सॉरी दोनों का डिफरेंस प्रिंट कर देगा। तो पैरामीटर में दो वेरिएबल आईएनटी, ए बी भी ले सकते हो, एक्स वाई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं एक्स वाई ले लेता हूं, आईएनटी एक्स कॉमा आईएनटी वाई। ठीक है, और अब ये सिंपली करेगा क्या, एक और वेरिएबल ले लो आईएनटी आर, इसमें डिफरेंस स्टोर कर लो एक्स माइनस वाई और फिर प्रिंट कर दो, रिटर्न तो करना नहीं है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और मैसेज दे दो डिफरेंस इक्वल्स प्लस आर। तो ये हमारा थर्ड टाइप का हो गया विथ नो रिटर्न टाइप इन पैरामीटर। अब हमारा फोर्थ टाइप का आता है, फोर्थ टाइप क्या होगा, विद रिटर्न टाइप, विद रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर। अब रिटर्न टाइप भी होगा पैरामीटर भी होगा, तो ये मेथड कैसे होगा, तो अगेन पब्लिक। अब मान लो ये मेथड हमें बनाना है, एक मेथड बनाना है जो कि क्या करेगा, सर्कल का रेडियस एक्सेप्ट करेगा और एरिया रिटर्न कर देगा। तो भाई सर्कल का रेडियस मैक्सिमम टाइम पॉइंट में होता है, और अगर रेडियस पॉइंट में है तो एरिया भी पॉइंट में आएगा, तो यानी रिटर्न टाइप हमारा फंक्शन पॉइंट वाला नंबर रिटर्न करेगा, तो रिटर्न टाइप डबल लिखेंगे। फंक्शन का नाम दे लो फाइंड एरिया। ठीक है, अब ये किस टाइप का वेरिएबल होगा, यहां पे डबल टाइप का, क्योंकि रेडियस एक्सेप्ट कर रहा है, और रेडियस अधिकतर टाइम तो मैथ्स के बुक में देखोगे तो पॉइंट में होता है। और फिर हमें एरिया, तो डी ओ यू बी एल ई, एरिया स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल लेंगे ए आर नाम का ले लेते हैं, ये भी डबल टाइप का होगा,
क्योंकि अगर रेडियस पॉइंट में है तो एरिया भी तो पूरा पॉइंट में आएगा ना। तो फिर हम क्या लिखेंगे, क्या होता है 22/7 होता है ना, या 3.1414, सो पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.1414। भाई अगर नहीं पता है एरिया निकाल, सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, तो जाके गूगल कर लो। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 3.1414 होती है, इंटू आर स्क्वायर, तो आर इंटू आर। तो देखो आर हमने यहाँ डबल टाइप का लिया है, ठीक है, मतलब पॉइंट वाला। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ओवरऑल रिजल्ट भी पॉइंट में आएगा, तो इसीलिए ए आर भी हमने इसके पहले भी डबल लिखा है, ठीक है। अगर वेरिएबल में पॉइंट वाला नंबर स्टोर करना होता है तो उसके पहले हम डबल लिखते हैं। अब हम रिटर्न क्या करेंगे, ए आर को ना, और ए आर में जो वैल्यू है वो पॉइंट में है, तो इसलिए रिटर्न टाइप भी हम डबल लिखे हैं, ठीक है। सो अब रिटर्न कैसे करेंगे, सो रिटर्न ए आर, ये हो गया हमारा, ये हमारा फोर्थ टाइप का फंक्शन हो गया। तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर दे रहा हूँ कि पूरा दिखे तुम लोगों को। अब देखो ये चारों फंक्शन हम लोग का हो गया है, ठीक है। ये सबसे पहला नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। तो देखो रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, कुछ भी रिटर्न कीवर्ड कहीं मैंने यूज नहीं किया, रिटर्न नहीं कर रहा है, पैरामीटर भी नहीं है इसमें कुछ। सेकंड विद रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। तो देखो पैरामीटर कुछ भी नहीं है पैरेंथेसिस के बीच में, बट ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप का, तो रिटर्न INT है, और यहां देखो आर को रिटर्न कर रहा है। थर्ड क्या है, विद नो रिटर्न टाइप इन पैरामीटर, मतलब रिटर्न टाइप नहीं होगा पैरामीटर होगा। तो देखो पैरेंथेसिस के बीच में पैरामीटर, दो नंबर एक्सेप्ट कर रहा है, और रिटर्न टाइप वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। फोर्थ विद रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर, मतलब दोनों होगा, रिटर्न टाइप भी पैरामीटर भी। तो देखो पैरामीटर भी है, एक नंबर एक्सेप्ट कर रहा है पॉइंट वाला जो कि सर्कल का रेडियस होगा, और एरिया रिटर्न कर रहा है, एरिया पॉइंट में होगा, तो रिटर्न टाइप डबल मैंने लिखा है। देखो यहां पर रिटर्न ए आर आ गया समझ में। अब अगर इन ये चारों मेथड कहां पे हैं, ये चारों मेथड हमारे कैल्क क्लास के अंदर हैं, तो इन चारों में से किसी को हमें कॉल करना है मेन में, तो मेन में कैल्क का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो क्या लिखेंगे, कैल्क OBJ असाइन विथ न्यू कैल्क। अब मान लो अगर तुम्हें पहला मेथड कॉल करना है, तुम्हें दो नंबर ऐड करना है, मान लो तुम्हें दो नंबर इनपुट लेके ऐड करना है, तो सिंपल उसके लिए ऑलरेडी तुमने ऊपर एक मेथड बना रखा है। देखो यहां पे सिंपल इस मेथड को कॉल कर दो, ये क्या करेगा, दो नंबर इनपुट लेगा एक्स ए और बी में, ऐड करेगा, प्रिंट कर देगा। तो देखो सो कैसे कॉल करेंगे, सिंपल OBJ डॉट एड नम हो गया। इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत है क्या, जैसे INTX यहां स्टोर करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि एड नम कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहा है तो स्टोर क्यों करोगे। कुछ पैरामीटर पास करने की जरूरत है क्या पैरेंथेसिस में, नहीं, क्योंकि पैरामीटर भी नहीं डिफाइन है, नॉर्मल सेव कर लो, रन करो। बाकी तीनों मेथड नहीं रन करेगा, सिर्फ एड नम रन करेगा, क्योंकि मेन में बस मैंने उसी को कॉल किया है। देखो रन करते हैं, सो जावा सी, फिर ABC.java, फिर जावा ABC। सो देखो एंटर द फर्स्ट नंबर 4, एंटर सेकंड नंबर 7, आ गया सेमीकोलन 61। अब मान लो तुम चाहते हो कि तो फंक्शन दो नंबर को ऐड करके रिजल्ट को रिटर्न कर दे, तो उसके लिए भी तुमने, नहीं, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट रिटर्न कर दे, तो उसके लिए भी तुमने मेथड बना रखा है। ये देखो ये वाला मेथड फाइंड प्रॉड, ये क्या करेगा, इसको कॉल करोगे तो दो नंबर इनपुट लेगा, फिर दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेगा, फिर उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देगा, देखा। तो चलो अब इसको कॉल करेंगे अगर हम, तो इसको मैं कमेंट में कर दे रहा हूं, ठीक है, बिना मतलब का रन करेगा। तो अब मैं लिखूंगा OBJ. फाइंड प्रॉड, इसको दो नंबर, पैरामीटर तो कुछ नहीं है ना, तो पैरामीटर कुछ भी पास नहीं करेंगे। देखो पैरामीटर कुछ भी नहीं है पैरेंथेसिस के बीच में, बट ये क्या करेगा, ये डेटा लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न कर देगा, तो एक वेरिएबल में हमें इसको स्टोर करना होगा। तो यहां पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा, तो मैं ले लेता हूं टी, और फिर अगर तुम्हें प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, सो प्रोडक्ट इक्वल्स प्लस टी। आई होप क्लियर हो गया, रन करते हैं। सो जावा सी ABC.java, जावा ABC, एंटर द फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर 7, 28 आ गया।
एक और शॉर्टकट है, मैं ऑलरेडी बताया था कि तुम टी में स्टोर नहीं करना चाहते हो तो सिंपल इसको कमेंट कर दो, सीधे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में कॉल कर लो मेथड को टी की जगह। तो यहां पे सीधे ओबीजे डॉट फाइंड प्रॉड, ठीक है, ये भी तरीका सही है। अब क्या होगा, जब कंप्यूटर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो पहले कुछ भी एग्जीक्यूट करने से पहले फाइंड प्रॉड को कॉल करेगा, ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा, पूरे फाइंड प्रॉड को एग्जीक्यूट करेगा और लास्ट में जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उस रिटर्न वैल्यू को मान लो 10 रिटर्न किया, तो यहां पे इस फाइंड प्रॉड की जगह कितना आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 10। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट कर देगा प्रोडक्ट इक्वल टू 10। सो एक ये भी तरीका है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड फंक्शन को देखते हैं। सो थर्ड फंक्शन क्या है, देखो ये दो नंबर में डिफरेंस फाइंड कर रहा है बट ये यूजर इनपुट खुद से नहीं ले रहा है। अगर तुम इसको कॉल करोगे तो इसको दो नंबर तुम्हें देना होगा कि किन दो नंबर में डिफरेंस तुम फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, और उसका डिफरेंस निकाल के क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो सिंपल है, लिखोगे ओबीजे डॉट फाइंड डिफ। अब मान लो तुम्हें 4 और 2 का डिफरेंस पता करना है तो 4, 2। अब बताओ इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये देखो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ये खुद ही प्रिंट कर दे रहा है। इसको बस नंबर चाहिए था, जो नंबर यहां पे हमने पास कर दिया पैरेंथेसिस के बीच में, दो नंबर इसको चाहिए था इंटीजर टाइप का, देखो। सो सेव करके रन करते हैं। तुम चाहो तो यहां पे यूजर इनपुट लेके भी पास कर सकते हो, स्कैनर का यूज करके ए और बी में इनपुट ले लो और 4 और 2 की जगह ए बी पास कर दो, बट मैं फिर इतना लंबा नहीं लिखने वाला। तो जावा सी एबीसी डॉट जावा जावा एबीसी, देखो डिफरेंस इक्वल टू 2। अब फोर्थ वाले मेथड को कॉल करते हैं। फोर्थ वाले में क्या है, हमें पैरामीटर भी देना होगा, जब इसको कॉल करेंगे तो हमें जो सर्कल है उसका रेडियस इसको देना होगा, एक पॉइंट वाली वैल्यू पास करनी होगी, और ये क्या करेगा, एरिया निकाल के उस एरिया को रिटर्न कर देगा, रिटर्न एआर। तो अगर इसको हम कॉल करते हैं तो ओबीजे, अब चलो इसमें इनपुट लेकर दिखा देता हूं। मान लो तुम्हें यूजर से इनपुट लेना है स्कैनर, तुम्हें रेडियस यूजर से इनपुट लेना है, तो स्कैनर एस सी असाइन विद न्यू स्कैनर और फिर यहां पे सिस्टम डॉट इन, अब एक मैसेज दे दो, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द रेडियस, और रेडियस स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल ले लो, मैं ले लेता हूं डबल, क्योंकि पॉइंट में हमें रेडियस चाहिए, डबल आर डी ले लो, असाइन विथ एस सी डॉट, अब हमें डबल टाइप का इनपुट लेना है तो नेक्स्ट डबल का यूज करेंगे, ठीक है। अब कॉल कर लो मेथड को, मेथड का नाम क्या है, फाइंड एरिया ना, तो ओबीजे डॉट फाइंड एरिया, और जो डबल टाइप का इनपुट लिए हम आर डी में उसको पास कर दो, बट ये जो फाइंड एरिया है डेटा रिटर्न करेगा ना, तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा डबल टाइप के, या फिर सीधे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख सकते हो, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और फिर एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स और फिर प्लस और इसको पैरेंथेसिस के अंदर कर दो, ये हो गया। सो देखो सेव करके रन करते हैं। सो जावा सी एबीसी डॉट जावा, सो एंटर द रेडियस, मैं करता हूं 4.3, ये देखो आ गया एरिया ऑफ सर्कल 58.08444486। तुम चाहो तो यूजर इनपुट ना लो, हटा दो इसको, तुम डायरेक्ट मान लो रेडियस तुम्हें 4.3 डायरेक्ट ऐसे पास कर दो 4.3, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। जावा सी एबीसी डॉट जावा जावा एबीसी, देखो एरिया ऑफ सर्कल 58.08446। तुम चाहो तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, उसके बाद प्रिंट करो, तो मैं यहां से हटा दे रहा हूं और मैं यहां पे एक डबल टाइप का वेरिएबल दे लेता हूं, सो डबल आर ई एस यू एल टी रिजल्ट में ले लेता हूं, रिजल्ट ओबीजे डॉट फाइंड एरिया और यहां पे फिर इस वेरिएबल को प्रिंट कर दो रिजल्ट, सेव करते हैं, रन करते हैं। सो जावा सी ए बी सी डॉट जावा, ओके कुछ एरर है, ओके मैंने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया, सेव करते हैं, रन करते हैं, जावा सी ए बी सी डॉट जावा और फिर जावा ए बी सी। सो देखो
एरिया ऑफ सर्कल 58.084486। सो आई होप समझ में आ गया चार तरीके से फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। अब अगला वाला क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो मैंने तुम लोग को कहानी के फॉर्म में बताया कि इस वाले लाइन में हो क्या रहा है। तो इस वाले लाइन में हम इस जो कैल्क क्लासेस का कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, बट एक्चुअली कॉपी नहीं है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो प्लीज़ अगला वीडियो, अगर तुम अगला वाला लेक्चर जो है, अगला वीडियो है, उसको देखने से पहले इस सीरीज़ का जो पहला वीडियो है ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, इस सीरीज़ का मैं तीसरा या चौथा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन करके प्लेलिस्ट है, जाके देखो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल पहला वाला वीडियो ऑब्जेक्ट के बारे में, उसको प्लीज़ देख लेना अगला वीडियो देखने से पहले, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स में जाने वाले हैं कि एक्चुअली इस लाइन में हो क्या रहा है। एक्चुअली यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, रियल में ऑब्जेक्ट क्या होता है तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। ऑब्जेक्ट के जो फीचर्स हैं, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, जो थ्योरेटिकली तुम अब तक सिर्फ जानते हो, उसको तुम्हें सामने तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अभी काफ़ी सारे लेक्चर्स इस सीरीज में आने वाले हैं, एटलीस्ट 6-7 लेक्चर और आएंगे, अब बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसमें पूरा जाने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू।